आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ से महज 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऐतिहासिक जिला फतेहगढ़ साहिब के ब्लॉक बसी पठाना के गांव थाबला की, जिसकी आबादी 1000 के करीब और 730 वोटर्स हैं। ये गांव अपने आप में मिसाल है विकास की, स्वच्छता को प्यार करने वाले लोगों की। छोटा सा होने के बावजूद थाबला में शहरों की तरह गांववासियों को सुविधाएं दी जा रही हैं। ये गांव लैस है पक्की सड़कों से, उनके किनारों पर लगे हरे भरे पेड़ पौधों से, साफ पीने के पानी से, साफ सुथरे वातावरण से। यहां सुविधा सेंटर है, जिम है, पार्क है, कोऑपरेटिव डायरी है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। आओ चलें गांव के मुख्य आकर्षणों की ओर। गांवों की सबसे बड़ी समस्या होती है गंदे पानी के तालाब की, पर ग्राम पंचायत की सूझबूझ से इस गंदे पानी के तालाब को पार्क की तरह विकसित किया गया है, जहां गांववासी सुबह शाम सैर करने आते हैं। आज जहां नौजवान नशे की तरफ मुड़ रहे हैं, वहीं थाबला की ग्राम पंचायत ने नौजवानों के लिए खेल मैदान और जिम की स्थापना की है, जहां लड़कों की तरह लड़कियां भी आकर एक्सरसाइज करती हैं। पिंड थाबला दे विच पंचायत दे सहयोग दे नाल अते दशमेश स्पोर्ट्स क्लब दे सहयोग दे नाल जिम बनाया गया है, जिदे विच की मुंडे ते एक्सरसाइज करदे ही करदे ते नाल दी नाल कुड़ियां भी जड़ियां है जिम दे विच एक्सरसाइज करदियां आके। इसलिए ग्राम पंचायत की सूझबूझ से गांव वासियों में लड़का और लड़कियों में भेदभाव भी खत्म हो चुका है। ते पॉइंट फिर टीम बेहड़ दे से चल भी तेजी पाक बड़ी। हर साल गांव में खेल मेला और कल्चरल प्रोग्राम करवाए जाते हैं, ताकि नौजवानों के हौसले और हुनर को बढ़ावा मिल सके। बेरोजगारी को दूर भगाने के लिए ग्राम पंचायत वचनबद्ध है, इसलिए गांव में कोऑपरेटिव डायरी, स्किल डेवलपमेंट सेंटर एवं नरेगा द्वारा रोजगार मुहैया करवाया जाता है। ग्राम पंचायत दे सहयोग नाल ए सेंटर खोलिया गया जी। इत्थे कुड़ियां बेरोजगार अपना सिलाई सीख के अपना रोजगार खोलदियां ने। असीं इत्थे घट्टो घट 10 लाख मंथली और 1 करोड़ सालाना का कारोबार करते हैं। असीं 22 क्विंटल के लगभग दुध इकट्ठा करके वेरका प्लांट नूं भेजते हैं। ग्राम पंचायत गांव में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखती है, इसलिए यहां ग्राम वासियों को डस्टबिन दिए गए हैं, जहां से कूड़ा इकट्ठा कर गांव से बाहर बने डंप में डाल दिया जाता है। इसी तरह गांव को स्वच्छ रखने के लिए पशु पालकों को रूढ़ियां लगाने के लिए गांव से बाहर स्थान दिया गया है। सरकार की ओर से भी इस गांव में सुविधा केंद्र दिया गया है। बात अगर एकता की हो तो गांव के लोग आपसी भाईचारे से रहते हैं, यही कारण है कि गांव में आज तक कोई FIR नहीं हुई है। सभी मसलों का हल गांववासी, ग्राम पंचायत या आपस में सुलझा लेते हैं। आज ये गांव हम सब के लिए प्रेरणा है, समानता की एवं जात पात से कोसों दूर रहने की, जिसकी उदाहरण हम यहां के शमशान घाट से ले सकते हैं, जो किसी जाति विशेष का ना होकर सबका साझा है। इसी एकता और समानता का नतीजा है कि गांव में पिछले 25 वर्षों से ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं। यहां ग्राम पंचायत सर्वसहमति से चुनी जा रही है। मैं मौजूदा सरपंच दलविंदर कौर, पिंड थाबला, असीं सारी मौजूदा पंचायत सर्वसहमति नाल बनवाई गई है, ते पहला भी जो पंचायतां बनियां सर्वसहमति नाल ही बनदियां रहियां हन।
इन सभी विकास कार्यों का श्रेय जाता है ग्राम सभा को एवं ग्राम पंचायत को, जो पूरी प्लानिंग के साथ विकास के कार्यों को अंजाम देती है। साल में 3 बार ग्राम सभा का इजलास किया जाता है, जिसमें गांव के लोगों की मुश्किलों और सुझावों को सुना जाता है। ग्राम सभा के इजलास में शिक्षा, सेहत, पशु चिकित्सा, मनरेगा, आंगनवाड़ी एवं जल विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाती है, ताकि सही और पूरी पारदर्शिता से विकास के काम हो सके। ये गांव सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को पारदर्शिता से लागू करने एवं आपसी भाईचारे के लिए मार्गदर्शक रहेगा।